हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और इस टेक्नोलॉजी के रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो। और इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फ़ोन में सॉफ्टवेयर उड़ गया है या आपका सॉफ्टवेयर ख़राब हो चुका है और आपका स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता है या गलती से किसी ने आपके सॉफ्टवेयर को ख़राब कर दिया है, करप्ट हो चुका है, हैंग करता है, स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होता है और वो फ़ोन बंद पड़ा हुआ है, तो आप उसे किस तरह से अपने घर में अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप पूरी स्टेप को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि कैसे आपको अपने फ़ोन को ठीक करना है जो फ़ोन आपका डेड हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए और ध्यान से देखिए। इसमें दो तीन स्टेप है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो काफ़ी आसान है। आप अगर पूरी तरह से इसे देख लेंगे कंप्लीट वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर को अपलोड किया जाता है, फ़ोन में जो फ़ोन बंद हो गया हो उसमें नया सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे अपने पुराने फ़ोन में जो बंद पड़ा हुआ फ़ोन है, जो डेड फ़ोन है, उसमें सॉफ्टवेयर को अपलोड करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है मैं वो बता दूं। आपको चाहिए एक ख़राब फ़ोन, जो डेड फ़ोन है, वो चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए एक USB केबल, जो केबल आपको मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट करेगी। तो और तीसरा, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए और ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप किसी भी मोबाइल में, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं ईजिली। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप कि किस तरह से आपको अपलोड करना है कोई भी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इसके लिए आपको तीन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये देखिए ध्यान से, मैंने इसे पहले से खोल रखा है टाइम बचाने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर, जो भी आपका फ़ोन है, उस फ़ोन को आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद इसे सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने आसूस के लिए किया है, आसूस ज़ेनफोन 5 स्टॉक रोम, ये सॉफ्टवेयर का नाम होता है। तो स्टॉक रोम आपको सेलेक्ट करके और अपने मॉडल को डालना है, जैसे आसूस जैन 5 है, ये मॉडल है और स्टॉक रोम। गूगल में सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैं दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके, और यहाँ से आप आसानी से किसी भी, कोई भी मॉडल का, जो भी आपके पास फ़ोन हो उस मॉडल का, आप देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका जो भी होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, एक्चुअली ये स्टॉक रोम सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको मॉडल डालना है और स्टॉक रोम गूगल में सर्च करना है, फिर आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो पहला तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, SP फ्लैश टूल। जैसे देखिए, ये वीवो का है, Y11 का अगर मॉडल है तो SP फ्लैश टूल वीवो, और ये आपका मॉडल हुआ, इतना सा ये मॉडल हुआ, और SP फ्लैश टूल सब आगे में लिखना है। और इस तरह से आप अगर सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए ये भी सॉफ्टवेयर के लिए खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैश टूल डाउनलोड ऑफिशियल स्टॉक रोम, तो यहाँ से आपको फ्लैश टूल भी मिल जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरा जो आपको डाउनलोड करना है, इसी का ड्राइवर करना है, जो भी आपका मॉडल होगा वो मॉडल बिल्कुल लिखना है, जिसे वीवो एंड्रॉयड फ़ोन का ड्राइवर चाहिए। तो वीवो एंड्रॉयड का जो भी यहाँ पे मॉडल होगा वो मॉडल भी लिख दीजिएगा, तो उसका ड्राइवर भी आपको, देखिए यहाँ पे डाउनलोड वीवो USB ड्राइवर मॉडल आ रहा है, यहाँ से आप आसानी से उसका ड्राइवर मॉडल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको तीन चीज़, ये मैंने जो भी बताया, देखिए यहाँ पे जो भी मॉडल है ये सारा दिखा रहा है कि जो मॉडल का ड्राइवर चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ों को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहला है स्टॉक रोम,
क्रोम डाउनलोड करना है, दूसरा है आपका एसपी फ्लैश टूल है, और तीसरा जो है आपको यूएसबी ड्राइवर है उसी मॉडल का जो आपके पास फोन होगा जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। अब चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है एसपी फ्लैश टूल। तो आपको क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे अपने मोबाइल के अंदर, इसलिए एसपी फ्लैश टूल चाहिए। दूसरा आपको यूएसबी ड्राइवर इसलिए चाहिए कि आपके फोन और लैपटॉप को कनेक्ट करेगा, तभी आपका लैपटॉप पहचान पाएगा कि आपका डिवाइस कौन सा है, इसलिए ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और तीसरा आपको जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर उसमें मोबाइल में डालना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने खुद अपने लिए इसे इंस्टॉल किया था, और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल करके ASUS के लिए तीनों चीज़ें मैंने खुद किया था, और ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलिए देखिए मैं तीनों चीज़ आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करना है। देखिए ये फ्लैश टूल है, ASUS का लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लैश टूल है, और यहाँ पे ये देखिए ये इंटेल एंड्रॉयड ड्राइवर है जो ASUS के लिए है, और ये उसका सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों चीज़ों डाउनलोड कर रखे हैं हमने। तो इस तरह अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीज़ें फ्लैश टूल को खोलना है। देखिए यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये यहाँ पे आपको देखिए मैं यहाँ पे फ्लैश टूल इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्लैश टूल है जो ASUS का इंस्टॉल्ड है। तो ये देखिए आपको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए ये इतने सारे मॉडल हैं, तो जो आपका ASUS का जो भी मॉडल होगा, जैसे कि मेरा मॉडल ये था, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा मॉडल 8000CACG ये मॉडल था। मॉडल को सेलेक्ट करना है, मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो जो सॉफ्टवेयर हमने दिखाया था ये वाले, ये सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे लाना है। जस्ट यहाँ पे लाने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, अपने जो भी ASUS फ़ोन है, जैसे मैं ASUS फ़ोन के एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, तो वो ASUS फ़ोन का ऊपर का जो पावर बटन है वो, और प्लस वाली जो वॉल्यूम बटन है अपर वाली, वो दोनों बटन को दाबेंगे। दाबने के बाद से जस्ट आपका जो फ़ोन होगा वो फास्ट ट्रैक मोड में चला जाएगा। फास्ट ट्रैक मोड में जैसे ही उस स्क्रीन पे एंड्रॉयड ASUS लिख के आ जाएगा, उसके बाद आपको फटाक से क्या करना है, आपको यूएसबी केबल अपने लैपटॉप के पोर्ट पे और मोबाइल में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे शो करने लगेगा, यहाँ पे एक आइकन सा बन के आ जाएगा, शो करने लगेगा, और इसको जस्ट सेलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ऐसे स्टार्ट क्लिक करेंगे फिर आपका सॉफ्टवेयर अब चढ़ने लगेगा आपके फोन के ऊपर, और यहाँ पे दिखाने लगेगा कि आपका सॉफ्टवेयर चढ़ रहा है। ये 7 मिनट का टाइमिंग लेगा पूरी सॉफ्टवेयर को अपलोड करने में आपके मोबाइल में, और यहाँ पे दिखते रहेगा आपको कि सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है, और इवन आपके ASUS के स्क्रीन पे भी दिखेगा कि सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है। और जैसे ही सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे लिख करके आ जाएगा कि कंप्लीटेड, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी लिख के आएगा कंप्लीटेड, और ग्रीन का बटन बन जाएगा। तो समझिए कि आपका पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है, अब नया सॉफ्टवेयर आपके फोन में चढ़ चुका है। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको अपने फोन से यूएसबी केबल को निकालना है, और फिर आपको अपने ASUS फोन को पावर वाली जो बटन होती है उसे पावर ऑन करना है। जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे, थोड़े देर के लिए पुश करके दाब के रखेंगे, वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद से वो नया रिबूट ले लेगा, पूरी तरह से नया सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में 1-2 मिनट लगेगा, वो चलते जाएगा, और चल करके पूरी तरह से सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएगा, पूरी तरह से आपका फोन ऑन हो जाएगा, ओके हो जाएगा, अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। आप एकदम बिल्कुल 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप सॉफ्टवेयर अपलोड करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया, स्टॉक रोम चाहिए, फ्लैश टूल चाहिए आपको, और उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बस ये फ्लैश टूल का भी कहीं कहीं पे ये दूसरे टाइप का होता है, यहाँ पे थोड़ा दूसरा है, दूसरे फ़ोन में हो सकता है फ्लैश टूल दूसरा हो, लेकिन प्रोसेस सबके लिए यही है, फ्लैश टूल होना ही चाहिए जिसके थ्रू आपको सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो वहाँ पे एंड्रॉयड स्केटर लिख करके आता है, और ये फ्लैश टूल के थ्रू ही डाला जाता है। वहाँ पे फाइल का ये जो सॉफ्टवेयर का नाम होता है वो एंड्रॉयड स्केटर के नाम से होता है, उसको चूज किया जाता है, और अपलोड का वहाँ पे डाउनलोड का बटन रहता है तो वैसे डाउनलोड किया जाता है। लेकिन प्रोसेस सेम यही है, तीनों चीज़ ये हर
फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन में अपलोड करने के लिए यही तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप क्लियर हो लीजिए कि कभी भी इसको ट्राई कीजिए उसी फ़ोन पे जो फ़ोन आपका घर में पड़ा हुआ है, बंद है, जो फ़ोन ख़राब है, जिसका सॉफ्टवेयर डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है, करप्ट हो चुका है, उसी फ़ोन में ट्राई कीजिए। नया फ़ोन में या जो फ़ोन वर्किंग में है, चल रहा है, उसमें मत ट्राई कीजिए इस चीज़ को, नहीं तो हो सकता है आपका फ़ोन ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि उसी फ़ोन के अंदर ट्राई कीजिए जो फ़ोन डेड है, बंद है, जो जिसका स्क्रीन नहीं आता है, जो बंद पड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से यह वीडियो समझ में आ चुकी है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई दिक्कत है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछिए, हम आपका पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, आप हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको ये नॉलेज कैसा लगा। और हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा टेक्नोलॉजी टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।